नमस्कार, मैं हूं सेब रामचंद्र। आप देख रहे हैं मेरे चैनल। आज मैं आप लोग का सामने लेके आया लौकी का रायता। आपने रायता बहुत बार ट्राई किया होगा, लौकी का रायता भी खाया होगा, लेकिन ये जो रायता है सही रेसिपी और अच्छा है हेल्थ के लिए। आप गर्मी का मौसम अभी है बहुत, तो आप गर्मी का मौसम में आपको शरीर ठंडा रखने के लिए और आपका लीवर और किडनी सही रखने के लिए लौकी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्थी है। तो हमने आज आप लोग का सामने लिखा है, ये है लौकी का रायता। जो भी मेरा चैनल न्यू देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जब भी मैं नया कोई रेसिपी अपडेट करेगा आपको पहले पहुंच जाएगा। आज हम बनाएंगे लौकी का रायता। आपने रायता बहुत खाया होगा, इससे पहले भी खाया होगा, लेकिन ये जो रायता बनेगा बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, इसका रेसिपी अलग है। ये अभी गर्मी बहुत पड़ा है तो लौकी का रायता खाएंगे तो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, बहुत अच्छे बनेगा। और ये जो हमने मार्केट से लौकी लिया 300 to 400 ग्राम सॉफ्ट है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। और अब इससे बड़ा साइज लेंगे तो अच्छा नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में जो लौकी मिल रहा है उसमें बहुत दवाई डाल के उसको बड़ा करने के लिए कोशिश कर रहा है और वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तो आप जब भी मार्केट में लौकी खरीद करेंगे ऐसा छोटा वाला लौकी लीजिए, 300 to 500 ग्राम के बीच में होने चाहिए। इसको पील कर लेना है, ऐसा उसका जो स्किन है ऐसा अच्छे से पील कर लेना है। लौकी अभी पील कर रहे हैं तो लौकी का दोनों साइड ऐसा काट कर देना है और इसको बीज में काट दे रहा हूँ, क्योंकि बीज में इसीलिए काट कर रहा हूँ, इसको ग्रेप्स करने के लिए अच्छा होगा। और कद्दूकस में ग्रेटेड करेंगे, अभी ये कद्दूकस है तो इसमें काफ़ी ग्रेटेड करेगा, कद्दूकस में ऐसा ग्रेटेड कर लेना है। ये जो रायता बनेगा बहुत अच्छा है, बहुत हेल्थी है, क्योंकि बहुत अच्छी होते हैं किडनी के लिए, लीवर के लिए और हमारा बॉडी को कोल्ड करने के लिए बहुत अच्छा है। लौकी का आप जूस भी खाली पेट में पी सकते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छा है, बहुत हेल्थी के लिए। ये किडनी आपका स्किन का बहुत अच्छा है। अभी रायता बनाएंगे तो रायते के लिए ये लिए दही, ये है फ्रेश। आप दही घर में बनाना तो अच्छा है, आप मार्केट से लेंगे तो फ्रेश दही लीजिए। इसमें ऐड करेगा अभी ये है ब्लैक सॉल्ट, ये है सॉल्ट, ये चॉप ग्रीन चिल्ली, ये है कोरिएंडर, चॉप कोरिएंडर, ये है चॉप मिंट, तो अच्छे से मिक्स कर लेना। अभी लौकी को ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रखना है ग्रेटेड करके, ये अभी ग्रेटेड करके रखता है, ये कलर देखो मस्त है। तो इसको अभी ऐड करना है इसमें दही का साथ। ये सर मिक्स कर देना है अच्छे से। ये रायता के ऊपर एक तड़का देंगे, तो अभी तड़का रेडी करेंगे। अभी ऐड कर रहा हूँ कुकिंग ऑयल, आपको चाहिए तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं यूज कर रहा हूँ कुकिंग ऑयल। इसमें अभी ऐड करेगा राई, ये होल राई, ऐड करेगा जीरा और गार्लिक। अभी ये तड़का रेडी हो गया, अभी ये तड़का इसका ऊपर डालेंगे, तड़का डाल के इसको मिक्स कर लेना है। तड़का लग गया, इसमें ऊपर से यूज करेगा ये क्रश पेपर, ब्लैक पेपर क्रश करके रखा था। अभी ये रेडी हो गया,
लौकी का रायता। ये रायता रेडी हो गया। जो भी मेरा चैनल न्यू देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में न्यू रेसिपी लेके मैं फिर हाजिर होगा। मैं हूँ सेब रामचंद्र। थैंक यू।